प्रेजेंट करके जो टाइम बचेगा फिर आप कर लें अपने हिसाब से अपना क्वेश्चन। जैसे आप आज फॉर्म फिल कर दें, अगर आपने कल करना है तो आप फॉर्म फिल कर दें, तो कल को जो मॉडरेटर पढ़ाएगा जब वो एंड पे टाइम बचेगा फिर आप प्रेजेंट कर लें अपना क्वेश्चन। एक क्वेश्चन वो करा लेगा, एक आप करा लें। ठीक है सर, थैंक यू। आज किसी ने वैसे प्रेजेंट करना है? नहीं, आई थिंक आज नया डेटा शेड्यूल चलें स्टार्ट कि लाइव हो गई अब। है। सही है। तो अगर मैम मशीन है, अगर लास्ट पे टाइम बचा तो आप मैम सना को टाइम दे देंगे, वो प्रेजेंट कर लें, अगर वो क्योंकि करना एक्चुअल चाहते जो हैं तो उसे प्रेजेंटर हमने है वो करा अभी मेरे ख्याल देंगे। आए नहीं हुए, अगर वो सेशन में नहीं आए तो उनको। ठीक है मैम। मैम सना, आपके पास क्वेश्चन कौन सा है जो आपने प्रेजेंट करना है उसको टॉप? सर मैं कल प्रेजेंट करूंगी, अभी मैंने कल पूछा था, मुझे यही था कि शायद फ्राइडे को प्रेजेंट करते हैं, इसीलिए मैंने वो देखा नहीं, तो आज मैं उसको देख के फॉर्म फिल करके उसके अंदर क्वेश्चन राइट कर दूंगी। मैम आपका डेटा स्ट्रक्चर कौन सा चलिए है? ठीक है। जी सर, आप सर डेटा अभी उन्होंने स्ट्रक्चर सिलेक्ट नहीं किया, उन्होंने वो ही कह रही है कि अभी उन्होंने कुछ सिलेक्ट ओके नहीं किया, वो प्रिपेयर कर चले लें ठीक फिर वो बता देंगे। है। अगर आपको बाइनरी ट्री का बाइनरी सर्च का थोड़ा आइडिया हुआ ना तो उसका काइंडली कर लें। अगर आप वैसे बाकी आप जैसे आपको एरे वाला स्ट्रिंग वाला जो करना हो कर सकते हैं। ओके सर, ओके। सो आज हम देखेंगे कि हैश मैप्स क्या होते हैं, हैश सेट्स और हैश टेबल। सो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय स्क्रीन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं हैश मैप्स की या हैश टेबल्स जो होते हैं। अब ना ये भी आप कह लें कि अरेज की तरह होते हैं, और बट अरेज में या लिस्ट में और हैश मैप्स में क्या डिफरेंस है? उसमें डिफरेंस ये है कि फॉर एग्जांपल आपकी जो है ना, अरेज में आपको अगर कुछ भी सर्च करना होता है ना, कोई भी आपको एलिमेंट जो है उसको आपने सर्च करना है, तो वो क्या होता है कि आप को वन बाय वन पूरी जो अरे है उसने उसको आपने आइट्रेट करना है, ठीक है। बट और फिर उससे जो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है वो आई थिंक एन हो जाती है, यस ली वो एन हो जाती है, नंबर ऑफ उसकी लेंथ जो होती है। बट अगर हम बात करते हैं हैश मैप्स की या हैश टेबल्स की, तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, बिकॉज आपने उसकी उसको की प्रोवाइड करनी होती है, जो सर्च की प्रोवाइड करते हो, और आपकी फॉर एग्जांपल वो आपको आपकी जो टारगेट वैल्यू होती है वो आपको ला के दे देता है। तो इसकी जो होती है वो 0n होती है आई थिंक सो। कि मैं वो ओपन करूं, देन फिर उसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। स्क्रीन आ रही है, चल ओके। तो यहाँ पे अब हम ना सबसे पहले देखते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, और लेट्स सी हम बात कर रहे हैं हैशिंग्स की। ओके ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक आप कह लें कि चले हम एक अरे की तरह ही ना ये दिखती है, अरे की तरह ही होती है इसके इंडेक्सेस और ये वो। बट अगर हम अभी इसका करते हैं कि इसको हम ड्रॉ कर लें, ठीक है, तो दिस इज एंड यहाँ पे हम इसके इंडेक्सिंग जो है 0, 1, 2 और 3, ये इंडेक्सेस चलें जो भी यहाँ पे इसके नंबर्स होंगे वो हम प्रोवाइड करेंगे।
देन इसमें जो मेन चीज क्या होती है वो हमारी होती है सर्चिंग की होती है, ठीक है। सर्चिंग की अब फॉर एग्जांपल वो इस तरीके से क्वेश्चन में आपको दे सकते हैं कि आपकी जो सर्च की है दैट इज 24 52। कोई भी हम रैंडम नंबर्स अभी ले रहे हैं एग्जांपल ताकि चीजें जो हैं वो एक दफा स्टार्ट हो सकें। देन इसके अलावा कभी कहीं पे भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो काइंडली इंटरप्ट और आप पूछें। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं कि अब ये जो है हमने फॉर एग्जाम्पल ये सर्चिंग कीज है, ठीक है, हम या ये कीज है, हमने अब इसको इन ये जो कीज है इनको हम इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं अपने हैश टेबल्स में, तो हम वो किस तरीके से करवाएंगे, या फॉर एग्जाम्पल ये ऑलरेडी इंसर्ट है तो हम उनको सर्च करना चाह रहे हैं तो हम किस तरीके से सर्च करेंगे, और अगर हमने डिलीट करवाना है तो वो अब हम कैसे करेंगे। तो वो देखते हैं कि इसमें ना इसके होते हैं हैश फंक्शंस, ठीक है। हैश फंक्शंस जो होते हैं ना वो ऑलमोस्ट फोर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है, जिसमें फर्स्ट हो जा डिफरेंट टाइप्स। फॉर एग्जांपल इनकी टाइप्स होती हैं हैश टेबल्स की, हैश फंक्शंस की, मतलब जब हमने ना अगर फॉर एग्जांपल एक एक ये इनमें से एक नंबर जो हमने वो सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम वो जो नंबर है ना वो सर्च करेंगे इसकी इन हैश फंक्शंस की हेल्प लेते हुए। तो वो हैश फंक्शंस कौन से हैं, वो जो फर्स्ट हैश फंक्शन है उसका होता है, उसमें होता है कि आपने जो की होता है उसकी उसका मॉड लेना होता है 10 के साथ, ठीक है। जो सेकंड है उसमें आपने जो की का मॉड लेना होता है नंबर ऑफ जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ, ठीक है। और जो थर्ड वाला होता है उसमें आपने मिड का स्क्वेयर लेना है, मिड स्क्वेयर। और जो फोर्थ वन है उसमें आप फोल्डिंग मेथड यूज करते हो। ये जो मेथड्स हैं, ये जो फोर टेक्निक्स हैं, इनको यूज करते हुए आप अपने जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब ये सर्चिंग की क्या है, फॉर एग्जांपल हम जो 24 नंबर है, ठीक है, वो हम अब इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं अपने इस टेबल में, तो अब हम वो कैसे करेंगे। अगर हम फॉर एग्जांपल इसके साथ चलते हैं कि की जो के मॉड और 10 है इसको हम कैसे यूज करके तो उसको इससे इंसर्ट कराएंगे, तो वो अब हम ऐसे करेंगे कि के के इज कॉल्ड की, तो हम यहाँ भी करेंगे 24 का मॉड लेंगे हम 10 के साथ, और अगर हम 24 का मॉड लेते हैं 10 के साथ तो आंसर क्या आएगा, कोई बता सकता है, जो इसका रिमाइंडर होता है, एनीबडी? फोर आ फोर, जाऊंगा। यस इट्स फोर। अच्छा, तो जैसे ही वो फोर आया रिमाइंडर, ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे देखना है कि अब ये चले फोर आ गया है तो अब हम इसको कहाँ पे इंसर्ट कराएं, ठीक है। तो अब जहां पे इसका ये फोर इंडेक्स होगा ना हम उधर इसको इंसर्ट करा देंगे 24 को, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी तरफ चलते हैं कि अब 52 है, ठीक है, 52 का हम मॉड लेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 2। तो जहां पे ये 2 होगा ना हम वहां पे इस 52 को हम इंसर्ट करा देंगे, ठीक है। और देन उसके बाद होता है 91 है, 91 का रिमाइंडर 1 आया तो वो 1 पे प्लेस हो जाएगा, 67 का 7 आएगा तो वो 7 इंडेक्स पे जाके प्लेस हो जाएगा, और 48 का 8 आएगा तो वो 8 पे जाए चला जाएगा, 83 है वो 83 पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये थे चार मेथड्स, अभी ये हमने सिर्फ फर्स्ट वाला किया। मैम अगर सेम इंडेक्स पे दो बार आ जाते हैं तो वो वहीं पे हाँ जाके जी, नहीं, वो वहां जाके नहीं प्लेस होगा, उसकी नेक्स्ट जो है वो आप कह लें कि वो कलिजन होती है, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ कि उसको हम आगे फर्दर किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो एक अभी फिलहाल ना इसके बाद हम कवर करते हैं उसको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम हमारा जो है वो सेकंड वाला हम इसको देख लेते हैं, वो है के मॉड एन, ठीक है। इसकी अब जो जितनी भी नंबर ऑफ वो होगी ना उसके कितने नंबर है, लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5 6 6 है ना, तो हम जो 24 का मॉड ले लेंगे 6 के साथ, तो आई थिंक इसका मॉड जो है रिमाइंडर जो है उसका 0 आएगा,
तो वो 24 जो होगा हम उसको जीरो पे प्लेस कर देंगे. दीज आर डिफरेंट टेक्निक्स जो आप यूज कर सकते हो. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अब ये मिड स्क्वेयर क्या है. ठीक है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज मिड स्क्वेयर. मिड स्क्वेयर में हम ये करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई वैल्यू है 1 2 5 और 1 3 5 या समथिंग इस तरीके से है ना, हमारे पास कुछ वैल्यूज आ रही हैं. ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि इस तरीके से अगर कोई वैल्यूज आएंगी तो हमने क्या करना होगा, ये जो मिड वाला इसका इंटीजर है ना, जो वैल्यू है, हमने उसका स्क्वेयर लेना है. ठीक है, तो वो क्या होगा, वो यहाँ पे अगर हम 2 का स्क्वेयर लेंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा 4, तो हम 4 पे इसको प्लेस कर देंगे. अगर हम 5 का स्क्वेयर लेते हैं तो ऑफ कोर्स वो हो जाएगा 25, तो वो 25 इंडेक्स पे जो भी प्रॉपर होगा आप उसको उधर जाके प्लेस कर दोगे. और अगर 135 है और मतलब 3 है, तो 3 का हम लेंगे और वो 9 पे जाके वो प्लेस कर देंगे उस इंटीजर को. ठीक है, अब फोल्डिंग मेथड क्या होता है. फोल्डिंग मेथड की ये टेक्निक है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास काफी आप कह लो कि हमारे पास काफी जो है ना एक बड़ा इंटीजर है मतलब ये, ठीक है, ये अब हमारे पास एक नंबर है, सही है, और हम उसको स्टोर करवाना चाह रहे हैं अब हमारे पास 0 से 99 तक दिस. ठीक है, हम यहाँ पे ना ये सिर्फ हमारे पास इंडेक्सेस ये हैं और नंबर हमारे पास इतना बड़ा है, तो हम इसको कहाँ पे अगर हम इसका मॉड भी लेंगे तो ऑफ कोर्स काफी लंबी एक इसका जो रिमाइंडर है वो आएगा. तो हम नेक्स्ट हम क्या ऐसा करें कि ये जो है इसके अंदर एडजस्ट हो जाए. ठीक है, तो हम इसमें फोल्डिंग मेथड यूज करते हैं. फोल्डिंग मेथड में क्या होता है कि ये जो फर्स्ट 3 इंटीजर्स होते हैं ना, उनको हम ऐड कर देते हैं लास्ट 3 इंटीजर्स के साथ. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, ठीक है, और 4 5 6. तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास अगर हम उस तरफ से ही ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर इसका आ जाता है 9 7, ये होगा 9, यस, और इसके अलावा 5. ठीक है, तो हमारे पास ये इंडेक्स तो ऑफ कोर्स इसमें एग्जिस्ट करता है, तो हम ये वाला जो होगा इसको वहां पे जाके प्लेस कर देंगे. यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो. मैम, ये आपने प्लस कैसे किया है? जो आप 123 को आपने 4 5 6 के साथ ऐड किया जी, जो है। ओके फोल्डिंग मेथड है ना, उसमें फोल्डिंग मेथड में यही टेक्निक होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो एक नंबर है, ठीक है, वो एक इंटीजर है, वो काफी बड़ा है, और फॉर एग्जाम्पल आपके पास उतने इंडेक्सेस ही नहीं है, तो अब आपने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, तो उस प्रॉब्लम को हम फोल्डिंग मेथड से सॉल्व करते हैं. कि फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 4 इंटीजर होते हैं तो आप मतलब इस तरह होता कि उनके दो दो आप चंक्स बना लो और उनको कर लो. अगर 5 है तो 3 और 2 के चंक्स बना लो कि आपका मतलब उसके क्लस्टरिंग कर लो ना, कि उसको पहले कुछ 2 में डिवाइड कर लो, कुछ 3 में पेयर्स में ले लो, तो उनको ऐड करके फिर जो भी आपका अगर इंडेक्स एग्जिस्ट कर रहा है तो अगर कर रहा है तो उसमें इसको प्लेस करवा दो. ये फोल्डिंग मेथड है. इज इट क्लियर? यस मैम। अच्छा मैम, मेरा एक क्वेश्चन था कि इंडेक्स हैश मैप में हमें इंडेक्स डिफाइन करने पड़ते हैं कि जब भी हमने हैश मैप फंक्शन बनाना तो हम इंडेक्स डिफाइन करेंगे या उसके बगैर भी काम कर सकते हैं? सर, जो अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पे पाइथन की, ठीक है, तो पाइथन में ना हम जो हैश मैप्स हैं उनको उन्होंने वो एक दिया हुआ है कि आप डिक्शनरीज जो हैं वो यूज करके तो आप अपना हैश मैप का जो भी लॉजिक है वो उसमें यूज कर सकते हो. ठीक है, तो उसमें फॉर एग्जाम्पल हमें अपने कभी कभार सॉरी हमें ना उसमें आपके वो जो इंडेक्सेस हैं वो खुद से भी आप डिफाइन कर सकते हो कि इस इंडेक्स पे ये वाला नंबर पड़ा हुआ है. और अभी जो है ना मैं एक ऐसी प्रॉब्लम जो है मैं आपको वो भी सॉल्व करवाऊंगी कि जहाँ पे जो कुछ कीज हैं और कुछ उसकी जो वैल्यूज हैं वो खुद से ही डिफाइन की हैं. ठीक है, तो वो हम जब वो सॉल्व करेंगे ना तो वो आपको समझ में आ जाएगी. बट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी बता देती हूँ कि अगर हम पाइथन में देखें कि डिक्शनरीज किस तरीके से हैंडल हम कर सकते हैं,
चले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मैं पहले सोच रही थी कि हम पहले है उसका कंसेप्ट थ्रेटिकल कवर कर लें फिर उसकी तरफ आते हैं, बट चले खैर। अच्छा यहाँ पे अब देखें कि यहाँ पे अब हमने फॉर एग्जाम्पल उसकी की दे दी, उसकी की क्या होगी कि फॉर एग्जाम्पल नेम ले लेते हैं ठीक है, और उसकी वैल्यू जो है वो हम कर लेते हैं ऑप्शन ठीक है। और जब हमने उसको गेट करना होगा तो हम उसका जो है स्पेसिफिक उसको उसकी की देंगे तो वो हमारी जो उसके अगेंस्ट जो वैल्यू पड़ी होगी तो वो हमें ला के दे देगा ठीक है। तो जो पाइथन है उसमें जो डिक्शनरीज हम यूज करते हैं ठीक है। नेक्स्ट इज इट क्लियर? यस मैम, थैंक यू। बाकी ओके जो उसमें फिर बात करें। ओके। अब जो पहले एक क्वेश्चन एक आया है कि फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे हमें नंबर्स मिल जाते हैं जिनका जो रिमाइंडर है वो जीरो है ठीक है, तो उस टाइम पे हम मतलब क्या करेंगे, तो उस चीज को हम इस तरीके से हैंडल करेंगे। ओके तो उसको हम ऐसे हैंडल करेंगे, उसको ना उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं कोलिजन ठीक है। कि अब जो दो दो हमारे पास जो ऐसे इंटीजर्स हैं वो एक ही इंडेक्स को टारगेट कर रहे हैं, तो अब हमने इसको कैसे हैंडल करना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं 24 ले लेते हैं और 44 ले लेते हैं, और इन दोनों का और सब इनका हम मॉड निकाल लें तो लाइक क्या होगा और कैसे होगा, सो वो हम देखते हैं। ओके तो यहाँ पे क्या सीन है कि जब 24 का मॉड लिया या तो उसका रिमाइंडर आया 4, उसको हमने 4 पे प्लेस करना है। ओके यहाँ पे हमने अब उसको ना करना है 4 पे प्लेस, और 44 जो है उसका भी 4 है, तब हम क्या करेंगे। अब इसके आगे डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट इसकी भी चीजें हैं, कंसेप्ट्स हैं, तो हम उसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसका हम ले लेते हैं 0 और 1, 2 मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। बोले जी। 24 का मोड तो आई थिंक 1 नहीं आता अगर सर 4 के फोर साथ। के साथ सर अच्छा, मोड का थोड़ा सा मेरा इधर उधर हो गया कॉन्सेप्ट। वो हम उसका 10 के साथ लेंगे ना मॉड, अच्छा, 10 साथ ले रहे फिर ठीक है। जी 10 ओके के फिर साथ ठीक है। मॉड लेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो 4 होगा। ओके तो अब ये देखें, अब हमने 24 लिया, 24 जो है वो ऑफ कोर्स इधर जाएगा ठीक है, ये 24। अब 44 का अब हमने लिया मॉड, वो भी जो है वो इधर ही जा रहा है ठीक है। तो अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि उन दोनों को एक ही जगह पे प्लेस कर देंगे, तो हम यहाँ पे आगे इसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं कि उनको अब हमने कैसे यूज करना है। जो एक टेक्निक है उसको हम कहते हैं चेनिंग ठीक है, और उसका जो सेकंड नेम है आप उसको वो भी कह सकते हो कि ओपन हैशिंग ठीक है। और उसके अलावा जो इसकी सेकंड टेक्निक है उसको आप कह सकते हो कि क्लोज्ड हैशिंग, और उसका जो सेकंड नेम है वो है ओपन एड्रेसिंग। ओके तो अब जो है ये प्रॉब्लम्स हमें आ रही हैं कि अब हमने कोलिजन हमारे पास आ गया है कि वो अब एक दो इंटीजर्स हैं वो सेम इंडेक्स को टारगेट कर रहे हैं ठीक है, पॉइंट कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने ये जो पहले यहाँ पे लिखा हुआ है ना 4, हम उसको यहाँ पे ऐसे प्लेस नहीं करेंगे, हम यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करेंगे ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक लिस्ट क्रिएट करनी है, और उस लिस्ट में जो है हमने 44 जो है वो करना है।
वो देना है, ठीक है। लिस्ट हमने क्रिएट की और 44 जो है हमने उसमें किया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसके बाद फिर से एक और ऐसा इंटीजर आ जाता है कि वो भी जो है उसका भी 4 ही आ रहा है, 4 इंडेक्स पर ही उसे आना है, तो वो नेक्स्ट क्या करेगा, वो भी नेक्स्ट यही करेगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर 54 है तो वो यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करेगा, ठीक है, अपनी लिस्ट क्रिएट करेगा और 44 जो है वो उसको मतलब यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, ठीक है। और जिस तरीके से लिस्ट जो है वो उनका एड्रेस होता है ना, और वो एक दूसरे को पॉइंट कर रहे होते हैं ना, तो वो जो एड्रेस है उसके थ्रू हम लोग मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर इसका आप कह लो कि 1000 इंडेक्स वो एड्रेस है, तो वो उसको जो है एड्रेस कर रहा होगा। और लाइक ये आगे ना लिंक आई थिंक हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी, जो लिस्ट होती है कि वो लिंक लिस्ट जो होती है कि वो मतलब कैसे करेंगे और कैसे नहीं, ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट किसी टॉपिक में कवर करेंगे। तो अभी बस आप यही समझें कि यहाँ पे हमने एक लिस्ट क्रिएट कर देनी है और वो एक के बाद एक जो नंबर है वो यहाँ पे अटैच होता जा रहा है, जितने भी 4 इंटीजर्स पे मतलब 4 इंडेक्स पे जितने भी नंबर आ रहे हैं वो यहाँ पे अपनी अपनी लिस्ट क्रिएट करते जाएंगे और यहाँ पे ऐड होते जाएंगे, ठीक है। अब इसका एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अब ये जो है ना, ये जो टेक्निक है ये गलत है। वो कैसे, वो इस तरीके से कि ये देखें कि एक चेन तो बनती जा रही है, ठीक है, बट फॉर एग्जाम्पल ये जो बाकी स्पेसेस हैं वो उसको कवर नहीं कर रहा। बाकी स्पेसेस देखें उसी तरीके से एम्प्टी है। फॉर एग्जाम्पल अगर 98 है तो वो चले 9 पे चला गया, और 30 है वो 0 पे आ गया, और 57 जो है वो 7 पे चला गया, लेकिन उसके अलावा उसने बाकी जो हमारे पास स्पेसेस हैं, चले मैं आपको एक दिखा देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे कोई। ओके, तो अगर हम बात करें तो 0 पे क्या आएगा 30, ठीक है, और 1 पे आया हमारे पास 41, और 2 पे आया हमारे पास नथिंग, 3 पे भी कुछ भी नहीं है, 5 पे क्या आएगा नथिंग, 6 पे कुछ भी नहीं है, 7 और 8 है हमारे पास तो वो है 5 और 7 और 98, ठीक है। अब देखें कि अब हमारे पास कितनी स्पेस जो है वो एम्प्टी है, वो यूज ही नहीं हो रही, ठीक है, बट उसने क्या किया कि वो अलग से मतलब जो है स्पेसिंग लेता जा रहा है लेता जा रहा है, और जो ऑलरेडी स्पेस अलॉट है वो उसको यूज नहीं कर रहा। और ये जो मेथड है ये इसका ना थोड़ा सा इसलिए प्रॉब्लम है, तो इसकी जो है वो आप कह लो कि टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। बिकॉज आपने जब आइट्रेट करवाते हो ना, बिकॉज आप फॉर एग्जाम्पल अब आपने 54 या यहाँ पे कोई भी हम नंबर ले लेते हैं कि 43 आपने सॉरी 43 तो नहीं होगा, यहाँ पे होगा 64, ठीक है, अगर 64 आप लोग सर्च करवाना चाह रहे हो तो ऑफ कोर्स आप यहाँ पे पहले 4 पे आओगे, ठीक है, और अब आप जब देखोगे कि इसका इंडेक्स 4 है और वो जो नंबर्स हैं वो भी 4 पे ही होने चाहिए, तो आप वहाँ पे क्या करोगे कि इसके अंदर जो लिस्ट है ना आप उसको वन बाय वन आइट्रेट करवाना शुरू कर दोगे, और जब आप उसको आइट्रेट करवाना शुरू करोगे तो ऑफ कोर्स आप पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट, चौथी लिस्ट या जितनी भी आगे मल्टीपल लिस्ट हैं आप उसको वन बाय वन आइट्रेट करवा रहे हो, तो वो उसके वर्स्ट सिनेरियो में उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो एन हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है मेथड थोड़ा इसीलिए इसमें इसके जो है डिसएडवांटेजेस हैं। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, ये हो गया हमारे पास ओपन हैशिंग या चेनिंग, ठीक है। ओपन हैशिंग इसी वजह से है कि आपकी एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो यूज हो रही है और जो ऑलरेडी स्पेस जो अलॉट है वो यूज नहीं हो रहे, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास सेकेंड मेथड है वो है क्लोज्ड हैशिंग या ओपन एड्रेसिंग। तो ओपन एड्रेसिंग और क्लोज्ड हैशिंग के आगे मल्टीपल 3 जो है इसकी वो आप कह लें कि टाइप्स हैं जिसके थ्रू हम चीजें करते हैं। एक हो जाती है लीनियर प्रोबेबिंग, और दूसरी है क्वाड्रेटिक, और थर्ड है डबल, यहाँ पे लिख देती हूँ। इसके बाद है मैम, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ। जी जी
जी करें ऐड। अच्छा, तो अभी हम जो अपने लीटकोड प्रॉब्लम्स के अंदर हैश यूज करेंगे ना, आवाज आ रही है? ठीक जी 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 आ रही है। है, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हम अपने लीटकोड प्रॉब्लम्स में जो हैश यूज करेंगे ना, हैश मैप यूज करेंगे, हमारी जी सर्च ओ वन में होगी। ठीक है, तो अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक करें सर्चिंग की, तो ओ वन होगी। हम जब भी कभी करते हैं ना, मोस्टली वो सर, हमें पता आपकी जो चल वॉइस है ना जाएगी। उसमें बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन है, या शायद मेरे एंड पे कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज वो कभी बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है और कभी ठीक हो जाती है, तो वो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, अभी अभी भी ऐसे ही हो रहा है? अभी ठीक है, अब आप अभी बोलें। ठीक। अच्छा, मैं बोल रही। अच्छा, मैं यहाँ भी ये पॉइंट आपको हाईलाइट करना चाह रहा था कि हैश मैप जो हम अपने लीटकोड प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे, मोस्टली उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वन होगी। ठीक है, हैश टेबल्स को यूज भी इसीलिए किया जाता है कि इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ वन होती है। लाइक आपने कोई भी एलिमेंट सर्च करना है ना, तो वो ओ ऑफ वन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कभी कहीं पे भी ये डिस्कस हो गया, हैशिंग जो हैश टेबल है उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन भी होती है, तो वो क्यों होती है, वो आज हमने डिस्कस कर लिया है, चेन की वजह से। ठीक है, वो एक चेन बन जाती है, लिंक लिस्ट बन जाती है। लिंक लिस्ट पर हम आगे डिस्कस कर लेंगे क्या होती है, लेकिन लिंक लिस्ट बन जाती है जिसकी वजह से उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन में चली जाती है। ठीक है, हैश टेबल्स की अब हमारे पास दो टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज होती है। ठीक है, ये हम यूज नहीं इतना करेंगे चेनिंग वाला अपने लीटकोड प्रॉब्लम्स के अंदर, हम सिर्फ ओ वन वाला यूज करेंगे, और मोस्टली होता भी वही यूज है। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट आपको पता हो कि अगर कहीं किसी भी जगह पर या इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए हैश टेबल्स की ओ ऑफ एन सर्चिंग में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो वो कैसी होती है, तो वो आपको पता हो कि वो कैसे होती है। यस, बिकॉज कुछ इंटरव्यूज होते हैं ऐसे, क्योंकि वो वन ऑफ माई फ्रेंड, उनका इंटरव्यू था और उन्होंने लिटरली, उनका कंप्लीटली डीएसए के रिलेटेड था, और वहाँ पे ये पूछा जा रहा था कि व्हाट इज ओपन हैशिंग, व्हाट इज ओपन एड्रेसिंग, या मतलब इस तरह की चीजें। तो ये जो सिर्फ कंसेप्ट्स हैं वो इससे लिए हैं कि एटलीस्ट हमें चीज़ों का ना नॉलेज होना चाहिए, बेशक हम उस चीज को यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, दैट इज मतलब सेकेंडरी, ठीक है, बट हमें एटलीस्ट हमारे जो कंसेप्ट हैं वो लाइक क्लियर हो चीजों को लेकर। सो क्योंकि आपसे अगर फॉर एग्जांपल कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है, तो एटलीस्ट पहले ये चीजें क्लियर हों, तो वहां पे कोई अगर इस तरह कोई प्रॉब्लम वो दे देते हैं कि आप इस प्रॉब्लम में ये ट्रेनिंग करें, तो मतलब वहां पे उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, या मतलब इस तरह की कुछ चीजें या क्वेश्चंस आप उनको इजीली हैंडल कर सको, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात कर रहे थे यहाँ पे लीनियर, क्वाड्रेटिक और डबल, ये आगे टाइप्स हैं क्लोज्ड हैशिंग की, ठीक है। इसमें हम क्या हाँ, करते हैं कि जो मैं एक लीनियर सवाल है ना, जी पूछने जा रहा हूँ। मैं आपको अगर अभी पूछ लूँ या बाद में आप बता दें। पूछ लें, अभी पूछ लें। मैम, मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि आप ये कंसेप्ट तो करवा रही हैं, बट इसका यूज़ केस क्या होगा? फॉर एग्जांपल, मुझे ये तो समझ आ रही है कि ये हैश हो रही है और हम जो है रिप्लेस कर रहे हैं इंडेक्सेस पे और एलिमेंट्स को पुट कर रहे हैं, बट मैं उसकी मतलब मैं उसकी इमेज को विजुलाइज नहीं कर पा रहा हूँ। यानी कि इट्स सॉर्ट ऑफ अ पजल एट द मोमेंट कि हमारे पास एक लिस्ट है और हम उसमें एलिमेंट्स को डाली जा रहे हैं, पर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि व्हाट इज द अदर पार्ट ऑफ द पजल जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं और ये पार्ट हम कर क्यों रहे हैं। तो मैं उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा अभी तक। मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ बट मुझे वो पार्ट समझ में नहीं आ रहा अभी तक। ओके, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे आपका एक प्रॉब्लम एक ऐसी है, ठीक है, कि वहां पे आपको हैश मैपिंग यूज करनी पड़ रही है, उसके अलावा मतलब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट अज्यूम, तो आपको अगर वहां पे हैश मैपिंग करनी पड़ रही है, आपने वहां पे उसकी सर्चिंग करवा रहे हो, ठीक है, आप उसको इंसर्ट करवा रहे हो या आप उसको डिलीट भी करवा रहे हो, सही है, तो वो जो है चीजें यही है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने देखें यहाँ पे अब कितनी चीजें पड़ी हुई हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इस नंबर की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे 57 एक नंबर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो अभी आपने कहा कि हम बस नंबर डाले जा रहे हैं डाले जा रहे हैं, ठीक है, तो अब हमने फॉर एग्जाम्पल सर्च करवानी है कि एक हमारे पास ऑलरेडी हैश मैप उन्होंने प्रॉब्लम में दिया हुआ है, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल आप लीड कोड की बात कर लो, कि वहां पे कोई आपको एक ऐसी प्रॉब्लम मिल जाती है कि वो कहते हैं कि ये आपको एक ऑलरेडी हैश मैप दिया हुआ है, इसमें अब आपने ना
जो कुछ जो है ना सर्च करने हैं कुछ डेटा या कुछ भी कोई वैल्यू है, स्पेसिफिक वैल्यू है वो आपने सर्च करनी है, सही है। तो आपको जो मैंने पहले कुछ जो मैंने आपको चार मेथड्स या टेक्निक्स बताई थी ना, जो आप कह लो कि फॉर्मूलाज भी थे कि जिसमें हम कर रहे हैं के मॉड 10 और ले रहे हैं या के मॉड n ले रहे हैं या हम मिड स्क्वेयर यूज कर रहे हैं, तो हम उसकी मदद से हम यहाँ पे इसकी सर्चिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 24 है, ठीक है, तो हमने अब वो प्रॉब्लम है कि आपने 98 जो है ना, देखें कि क्या 98 हमारे हैश मैप में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने उसमें से उसका मॉड लिया, यानी कि हमने एक फॉर्मूला यूज कर लिया उसमें से, अपनी जो टेक्निक है उसमें से एक फॉर्मूला हमने पकड़ा और हमने वो इम्प्लीमेंट किया, यानी कि के मॉड 10, ठीक है। तो हमने क्या किया कि अब उसका रिमाइंडर क्या आया, 8। तो हम सिर्फ और सिर्फ उस 8 इंडेक्स पे ही जाएंगे, हमें जरूरत नहीं है 0 को आइट्रेट करा, हमें मतलब कोई भी जरूरत नहीं है आइट्रेशन कराने की, हम डायरेक्ट 8 पे जाएंगे और वहां पे जाके देखेंगे कि वहां पे क्या ये नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर नंबर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वो उसको रिटर्न करा देगा, और अगर वो स्पेस मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा या मतलब फॉर एग्जाम्पल स्पेस जो है वो एम्प्टी होगी, ऑफ कोर्स वो जो है वहां पे उसको कह देगा कि वहां पे ऐसा कोई नंबर जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसीलिए अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कॉन्स्टेंट है वो है 1, सही है, बिकॉज उसको जरूरत नहीं पड़ी कि पूरा हैश टेबल जो है उसको वो आइट्रेट करवाए। इज इट क्लियर नाउ? यस मैम, मुझे जो आपकी बात से समझ में आई है कि आप ये कह रही हैं कि हैश में बेसिकली हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है लाइक एन एरे और अ लिस्ट, और हम कह यस ये रहे हैं कि हम इस पे एल्गोरिथम किस टाइप लाइक एन एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे हैं फॉर डिफरेंट टास्क, राइट? फॉर यस एग्जाम्पल हम इस पे लीनियर क्वाड्रेटिक या फिर और दो आपने बाकी टेक्निक्स बताई वो हम इस डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं फॉर टू टू अकम्प्लिश अ सर्टेन टास्क, राइट? यस ओके और मैम, थैंक अरेज में यू। क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जो अरेज होती है ना, उसका हमें उसकी अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो ना, तो वो जो है ना आपकी लेंथ तक ही जाती है, क्योंकि आपको वन बाय वन उस चीज को आइट्रेट करना करना पड़ रहा होता है एक एक इंडेक्स को जाके, ठीक है। बट हैश मैपिंग में ये चीज नहीं है, आपको वन बाय वन चीजें आइट्रेट नहीं करवानी पड़ रही होती, आपको डायरेक्ट उस इंडेक्स पे जाते हो और वहां पे जाके आप अपना, आपने अगर सर्च करवाना है आप सर्च करवा लो, आपने इंसर्ट करवाना है आप इंसर्ट करवा लो, और अगर आपने उसको डिलीट करवाना है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रही हूँ कि मैंने 57 को इसमें से ना डिलीट करवाना है, तो मैं फिर से वही वाला फॉर्मूला यूज करूंगी मॉड जो है 10 के साथ, और मैं देखूंगी कि 7 मैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट 7 पे जाऊंगी और मैं जाके 57 को जो डिलीट कर दूंगी, ठीक है। ये चीज है, तो इसीलिए राइट हम मैम, हैश मैप जो ये आप डिस्कस करवा रही थी वो यही बता रही थी कि हमारे पास कौन कौन से एल्गोरिथम्स के क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स हैं, आप बता रही थी ना, राइट? ओके मैम, थैंक यू, आई सर, गॉट यानी इट, इसे एरे का बढ़ावा ही समझ रहे हैं, इतना क्लियर। यस क्लियर, एरे का बढ़ावा ही समझ यस रहे हैं, बस क्लियर, सिंपल जैसे इसमें ओके, सर्चिंग करते हैं इंडेक्स के थ्रू, इसमें ऐसे सर्चिंग है, बस थोड़ा सा हाँ जी, एडवांस हो जाएगा, थोड़ा सा है वही चीज। यस। तो अरे में उसके हम अरे के अंदर लीनियर सर्च करते हैं, वन बाय वन जाके देखते हैं यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है एलिमेंट वो नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑफ एन हो जाती है। अब ये हैश मैप्स हमें क्या एडवांटेज दे रहे हैं कि हैश मैप एक इनके पास एक ऐसा फंक्शन होता है, हम इसको एक वैल्यू देते हैं, जैसे मैम ने आपको पहले बताया 24 एक वैल्यू है जो हमने इसमें इंसर्ट करनी है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, 24 का मोड 10 के साथ लेगा। अब ये जो मोड 10 के साथ मैम ले रही है ये जस्ट एज एन एग्जाम्पल कि वो फंक्शन होता है, उसको वो यूज करके वो ये चीज आइडेंटिफाई करता है कि मैंने 24 को अरे के अंदर कहाँ पे रखना है, ठीक है। उसने उसके साथ मोड लिया, 24 के साथ क्या आया, 4 आया, फोर्थ इंडेक्स पे जाके उसने 24 का रख लिया। अब नेक्स्ट टाइम आप जब कभी भी अपनी लेट्स सपोज पूरी अरे फिल हो गई है, अब जब भी आप अपने 24 को सर्च करना है ना, आपने सिंपल पता क्या करना है, आपने 24 का मोड करना है 10 के साथ, आपको एक वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू होगी 4। आपने डायरेक्टली फोर्थ इंडेक्स पे जाना है और अपनी वैल्यू ले लेनी, ठीक है। लेट्स सपोज 4 पे नहीं पड़ी हुई, आपको एक अरे दी हुई है उसके अंदर नहीं पड़ा हुआ ये 24, तो आपने क्या करना है, आपने जब कोई प्रॉब्लम होगी कि आप 24 सर्च करें, आप उसका मोड लेंगे, इंडेक्स आएगा 4, फोर्थ इंडेक्स पे आप डायरेक्टली जाएंगे, आप वन बाय वन आइट्रेट नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली उस इंडेक्स पे जाएंगे, तो आप वहां देखेंगे 24 नहीं पड़ा हुआ, आप उसे बता देंगे भाई हमारी इस अरे के अंदर 24 मौजूद ही नहीं,
आप ये जो ऑपरेशंस कर रहे हैं ना, ये आप ओ ऑफ वन के अंदर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप यही ऑपरेशंस अरे के अंदर करें तो वो ओ ऑफ एन में हो जाएंगे, क्योंकि जब अरे के वो फॉर लूप हम लगाते हैं तो वो हम पूरी अरे को ट्रेवर्स करते हैं, हम हमारे पास वहाँ पे डायरेक्टली इंडेक्स मौजूद नहीं होता कि भाई ये वैल्यू यहाँ पे पड़ी है या यहाँ पे पड़ी है। ठीक है, हैश मैप्स के अंदर हमारे पास डायरेक्टली इंडेक्स जो है ना उसकी वैल्यू मौजूद होती है, तो 24 जो है वो फोर्थ इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 57 जो है वो सेवंथ इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है सर, जी यहाँ पे जी मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम के फर्स्ट 24 का अगर के मोड ऑफ एन लेते हैं तो वो 0 आता है, अगर हम के मोड ऑफ 10 लेते हैं तो 4 आता है। यहाँ पे एन की वैल्यू 6 होगी क्योंकि नंबर 6 है या 5 होगी। यहाँ ये पे इसकी जो अगर ये जितने भी इसकी है ना, ठीक है, आपने उसकी उसकी लेंथ पे ही जाना है, नंबर ऑफ एन जो होते हैं ना आपने उसको ही लेना है यहाँ पे। तो अगर ये 6 है तो आप 6 ही लेंगे। मैम, मेरा एक क्वेश्चन जी जी पूछें है मैम, अगर फॉर्मूलाज चेंज हो तो आंसर तो सेम ही आता होगा, तो अगर मॉड हम एन के साथ ले रहे हैं या मॉड टेन के साथ ले रहे हैं तो वो आंसर तो सेम ही आना चाहिए, इंडेक्स आई मीन सेम ही होगा। देखें, कुछ जो हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं ना वो हर इंटीजर पे वर्क नहीं कर रहे होते, हर नंबर पे वर्क नहीं कर रहे होते, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी थी कि हमारे पास काफी बड़ा नंबर है, सही है, तो कुछ भी आप ले लें कि यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास जो है वो काफी बड़ा नंबर है, फॉर एग्जाम्पल दिस, ठीक है। और इंडेक्सेस हमारे पास जो है वो 0 से है, लाइक 99 तक है, सही है। तो अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, मतलब इंडेक्सेस तो हमारे पास इतने अवेलेबल नहीं है, नंबर जो है वो काफी बड़ा है, तो क्या यहाँ पे अब वो 10 वाला यूज होगा, क्या एन मैम वाला मैं यूज इसकी होगा। बात नहीं कर रही, जी, आप ये कह रहे हो ना, आपका क्वेश्चन ये है ना कि जो हमारे पास जो डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं उनके आंसर्स हमारे पास डिफरेंट आते हैं, ठीक है, आप ये कह रहे हो ना, तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। मैम जो कम वैल्यूज हैं जैसे कि आपने यहाँ पर दी हुई हैं, इन दोनों में अगर आप 24 को 10 के साथ करते हैं तो वो 4 आता है, लेकिन अगर आप वो 6 के साथ करते हैं तो वो 0 आता है, इसलिए यहां से कह यस रहे हैं कि दोनों में तो इंडेक्स चेंज हो जाएगा। हाँ, वो दोनों में इंडेक्स चेंज हो जाएगा, तो बट फिर यही प्रॉब्लम यही होगा ना बात, कि अगर आपने वो एन वाला यूज किया हुआ है ना, मतलब आप नंबर ऑफ जो है वो ले रहे हो, उनकी लेंथ ले रहे हो, तो वो अगर आपने एन वाला मॉड यूज किया हुआ है तो फिर आपको फिर थ्रू आउट उसी चीज को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ कोर्स उसकी जो आंसर्स हैं वो डिफरेंट आएंगे। और अगर आप मॉड 10 के साथ चल रहे हो, क्योंकि मॉड 10 जो है वो ज्यादा, मतलब आप ये कह लो कि ज्यादा यूज करते हैं, ज्यादा आप वो जो टर्म है यूज कर लो, फेमस है, ठीक है, तो वो जो ज्यादा वो यूज होती है, तो इसीलिए अगर आपका फॉर एग्जांपल 10 के साथ आप इंसर्ट करवा रहे हो, तो आपने जो अगर सर्च करवाना है तो वो भी आप फिर 10 के साथ ही करवाओगे, ठीक है। और अगर आपने एन के साथ जा रहे हो तो आप एन के साथ जाओगे, इज हम इट दोनों जो क्लियर। है ना वो एक ही टाइम पे दोनों नहीं ले सकते, कि हम सिक्स को भी ले लें और एग्जैक्टली, टेन को भी ले लें। और वैसे मैम हम यहाँ वैसे एग्जाम्पल चेक कर रहे हैं ना कि हम मोड 10 ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो लीड कोड यूज कर रहा है हैश मैप या जो पाइथन यूज करता है हैश मैप, वो मोड 10 तो नहीं करता होगा ना। नहीं वो जो, क्योंकि हम ये जो है ना, आप ये करें कि हम ये एक कोर कंसेप्ट जो है ना कि हैशिंग इटसेल्फ क्या होती है हम वो समझ रहे जी हैं, बट अगर हम पाइथन की तरफ जाते हैं ना, तो पाइथन में वहां पे आप ना ये चीजें यूज नहीं करोगे, ठीक है, बट लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसके जो कंसेप्ट्स हैं या कुछ चीजें हैं वो यूज हो रही होंगी, ठीक है, कि डिक्शनरी वो सिमिलर उन्होंने, क्योंकि इटसेल्फ उन्होंने आपको एक दे दिया है डिक्शनरी, एक आप कह लो कि उन्होंने बिल्ट इन आपको एक प्रोवाइड कर दिया है, और ये जो कोर चीजें हैं ना ये आई थिंक यूज होती हैं जावा में, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक और लैंग्वेज थी उसमें, और ये जो डिक्शनरीज हैं वो आप पाइथन में या C++ या जो शार्प होती है लाइक उसमें आप करते हो यूज, ठीक है, बट जो हमारे पास डिक्शनरीज होती है ना उसका उसमें चीजें जो हैं वो किसी और वे में लेके चल रहे होते हैं, वो मैं भी आपको एक एग्जांपल भी करवाऊंगी, ठीक है, बट मैम ओवरऑल उसका बैकएंड है वो यही होता है। जी मैम 48 मिनट्स हो गए हैं, तो अगर कोई प्रेजेंटर है तो वो प्रेजेंट कर ले फिर अपना।
हाँ जी या फिर हम चले टॉपिक कर लें कवर, देख पूछ लें लें। अगर नहीं यार मैम आज मेरे हिसाब से नहीं है, कल को होंगे प्रेजेंटर, आई थिंक मैम से ना करेंगी, तो आप अपने कोड पे जंप करें कि वहां से हम यूज कैसे करते ओके हैं। ओके सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा कि अब लीनियर है, अब हमने किसकी तरफ आया, क्लोज्ड हैशिंग की तरफ। ओपन हैशिंग का हमने डिसएडवांटेज देख लिया कि वो एक्स्ट्रा स्पेसिंग यूज कर रहा है, ठीक है, तो हमें वो नहीं ठीक लगा। तो अब हम चाह रहे हैं कि हम नेक्स्ट किसी चीज पे मूव करें, तो अब हम वो नेक्स्ट टेक्निक पे मूव करेंगे, दैट इज क्लोज्ड हैशिंग, ठीक है। उसमें थ्री टेक्निक्स हैं, तो जिस वे से हम जो है अपने नेक्स्ट चीजों को हैंडल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब लीनियर में क्या होता है, लीनियर में ये है कि अब देखें, जब कोलिजन आ रही है कि 24 पे आ रही है और 44 पे आ रही है, या यहाँ पे 54 था या 64 था, उस पे हमें हमारे पास कोलिजन आ रही है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम ये करेंगे, जो लीनियर है ना, मॉड लिया 10 के साथ 24 का, तो वो यहाँ पे आ गया 4 इंडेक्स पे, ठीक है। नेक्स्ट जो है, हमने मॉड लिया 44 का, और अब वो ऑफकोर्स जाके इसको ही देखेगा, वो जो 4 इंडेक्स है ना, जो लीनियर वाला जो मेथड है, वो इसी को जाके ना पॉइंट करेगा, और वो वहां पे देखेगा कि वहां पे तो ऑलरेडी 24 पड़ा हुआ है, ऑलरेडी वो फिल है। अब मैं क्या करूं, तो वो वहां पे क्या करेगा कि जो उससे नेक्स्ट वाली जो देखेगा कि अगर नेक्स्ट कहीं पे स्पेस जो है वो एम्प्टी है ना, तो वो उधर जाके उसको इंसर्ट करवा देगा, यानी कि 44। और सर्चिंग के मामले में भी यही है कि अगर उसने 44 जो है, उसने उसको देखना है, उसने के मतलब मैं 44 जो है उसको सर्च करवाना चाह रहा हूँ, तो वो पहले तो आएगा उसी इंडेक्स पे 44 पे। अब वो यहाँ पे देखेगा कि क्या 24 जो है 44 के इक्वल है, वो कहेगा ना कि नहीं, ठीक है, जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई। तो वो लीनियर में क्या करेगा कि वो उससे नेक्स्ट पे जंप करेगा, नेक्स्ट स्लॉट जो होगी उस पे जंप करेगा, और वहां पे जाके देखेगा कि क्या यहाँ पे कोई जो है इंटीजर पड़ा हुआ है, तो वो देखेगा कि अगर है इंटीजर पड़ा हुआ है, तो वो उसको उसके ना इक्वल्स कंपेयर करेगा, तो अगर वो कंपैरिजन में वो 44 ही निकलता है, तो वो ऑफकोर्स वो 44 ही रिटर्न करवाता है, ठीक है। और अगर फॉर एग्जाम्पल आप ये समझें कि यहाँ पे भी चले कोई नंबर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, 55 पड़ा हुआ है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे उसने देखा कि 40, पहले वो आया 44 पे, उसने 4 को, जो 4 इंडेक्स है, उसने उसको पॉइंट किया, हिट किया, यहाँ पे आया, उसने देखा ऑलरेडी 24 पड़ा हुआ है, उसने इसको मैच किया, तो वो नहीं हुआ। अब वो नेक्स्ट स्लॉट पे आएगा, नेक्स्ट स्लॉट पे देखेगा कि यहाँ पे नंबर है, तो वो अब देखेगा कि हाँ यहाँ पे और एक नंबर पड़ा हुआ है, बट वो 44 नहीं है, वो फिर उससे नेक्स्ट पे जाएगा, और नेक्स्ट पे जाके तो वो यहाँ से 44 जो है उसको सर्च कर लेगा, या जो भी गेट होता है वो कर लेगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा मैम, मेरा यहीं पे क्वेश्चन था, अगर 44 नंबर 6 पे चला गया तो सर्च में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 तो नहीं रहेगी, कितनी हो नहीं, जाएगी? आप जो है ना, यहाँ पे आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, यहाँ पे हो रही है चेंज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप, बट फिर भी ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत हद तक अरे से फिर भी बेहतर है, बिकॉज अगर आप यहाँ पे 44 पड़ा हुआ है 6 पे, आपने अरे में आना है 0 से, बट अगर 44 यहाँ पे 6 पे पड़ा है ना, तो आप इसको आइट्रेट करवा रहे हो 4 से, ठीक है। तो अभी भी हमारा जो इस वर्स्ट सिनेरियो है, हमारा हैश मैप का जो वर्स्ट सिनेरियो है, अरे के वर्स्ट सिनेरियो से बेटर है। इज इट क्लियर? यस मैम, थैंक यू। ओके नेक्स्ट, अब इसमें एक और है, वो है क्वाड्रेटिक, ठीक है, कि अगर हम लीनियर में तो ये है कि जहां पे भी उसकी एम्प्टी उसको स्पेस दिखी, उसने वहां पे जाके उसको इंसर्ट करवा दिया, सही है। अब जो क्वाड्रेटिक है, उसमें हमें ये चीज करनी पड़ती है कि हमें यहाँ पे लेना पड़ता है, नो मैम सॉरी फॉर इंटरप्शन, प्रॉब्लम। मैम ये क्लियर कर दें कि यहाँ पर जो आपने 55 इंडेक्स पे आ रहा है, तो जो 44 था वो तो नेक्स्ट में एम्प्टी नहीं थी स्पेस, वो उससे भी नेक्स्ट में चला जाएगा। यस देखिए, वो पहले आया ना, जब उसे 5 पे देखा कि यहाँ पे तो एम्प्टी नहीं है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, वो उससे अगली स्लॉट देखेगा,
जहां पे भी उसको स्लॉट खाली दिख गई ना, ठीक है, तो वो उधर उसको इंसर्ट करवा देगा. अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ना जो ओपन हैशिंग थी उसमें ये नहीं हो रहा था, वो जो हमारे पास ऑलरेडी एक स्पेस थी ना, जो एम्प्टी स्पेस थी, वो उसको फिल ही नहीं कर रहा था. वो खुद से ही ये देखें कि जैसे ना वो जो लिंक है वो क्रिएट करता जा रहा है, करता जा रहा है, और वो एक्स्ट्रा स्पेसिंग यूज कर रहा है. सही है, बट क्लोज्ड हैशिंग में क्या है कि जो ऑलरेडी जो स्पेस है ना वो उसी को ही पहले फिल करेगा. इज इट क्लियर? अच्छा मैम, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर 44 आता है वो देखता है 5 भी फुल है, 6 भी फुल है, 7 भी फुल है, 8 भी फुल है, और 0 खाली, फिर वो 0 पे स्टार्ट होगा दोबारा से? यस, अगर यहाँ तक देखेगा, अगर ये फिल है तो वो फिर यहाँ से जो है देखेगा कि यहाँ पे लाइक कोई फ्री होगी तो वो उसमें इंसर्ट करा देगा. ठीक है मैम, क्लियर है। ओके, तो जो क्वाड्रेटिक है उसमें आगे से फिर हमें ये फॉर्मूला जो है वो यूज करना पड़ता है, ठीक है. बट ये है कि ये सिर्फ फॉर्मूलाज और ये जो हम डेप्थ में जा रहे हैं ये सिर्फ इसी वजह से है कि कंसेप्ट क्लियर हो, बट ऐसा नहीं है कि ये चीजें जो है वो यूज होंगी. ये मतलब वो कंपलसरी नहीं है. तो ये अगर कुछ चीजें आपको नहीं भी यहाँ पे आके क्लियर हो रही तो इट्स ओके, बट फिर भी आई एम हियर, आस्क मी. मोस्टली जो हम हैश टेबल यूज करेंगे अपने प्रॉब्लम्स के अंदर, वो इसी वजह से करेंगे और इसी तरीके से करेंगे कि भाई इसके टर्म कॉम्प्लेक्सिटी O(1) के अंदर ये यूज हो। अगर उसमें यस हमारे हैश टेबल्स के अंदर हम वैल्यूज ही इतनी ज्यादा इंसर्ट करवा रहे हैं कि उसकी चेनिंग हो रही है, वो लीनियर में जा रहा है या क्वाड्रेटिक में जा रहा है, फिर हमें उसका इतना कोई बेनिफिट नहीं होता। लेकिन बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको हम जिसके अंदर हैश टेबल को हम इस तरह यूज कर सकते हैं कि जो O(1) के अंदर हमें सर्चिंग करके देता है, इंसर्ट करके देता है और डिलीट करके देता है, तो हम इसको इस मकसद के लिए यूज करते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि यार यही वो हैश टेबल है जिसके टाइप कॉम्प्लेक्सिटी इंसर्शन में, डिलीशन में जो है ना, और सर्चिंग में O(n) भी हो सकती है। हमने आज डिस्कस दो ना दोनों कर दिए टॉपिक। यस, तो नेक्स्ट क्या होगा कि फॉर एग्जांपल हम अगर जो क्वाड्रेटिक है उसमें जो हमारा ये जो आई होता है ना, ये जो आई है, ठीक है, ये आप कह लो कि ये मतलब आइट्रेशन के लेवल है. कि फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे देखें, पहले हमने यहाँ पे क्या किया, 24 हमने चेक किया, तो वो क्या हो गया कि उसने कहा कि यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं है. अब यहाँ पे हमारी ऑफकोर्स एक आइट्रेशन हमारी यहाँ पे हो गई, ठीक है. नेक्स्ट हम आए, नेक्स्ट में हमने क्या देखा कि 54 55 जो है वो पड़ा हुआ है ऑलरेडी, मतलब वो नहीं है, तो वो यहाँ पे प्लस होके 2 हो गया. और नेक्स्ट जब आएगा यानी कि 6 पे आएगा तो वहां पे उसका जो जो आई होगा लाइक वो हो जाएगा 3. तो 3 का हम यहाँ पे क्या लेंगे नेक्स्ट, मतलब ये आगे आप ये कह लें कि आगे ये उसकी लेंथ चेक करने के लिए कि हमें कितनी आइट्रेशंस करवा रहे हैं और ये चीजें देखने के लिए हम ये चीजें यूज करते हैं. बट ऑफ कोर्स इन आवर केस ये चीजें हम लोग अपने लीटकोड प्रॉब्लम्स में यूज नहीं कर रहे होंगे, तो आई थिंक इतना ही काफी है कि जितनी आप लोगों को लाइक अच्छे से एक चीजें समझ में आ गई हैं. बिकॉज लीनियर तक ठीक है कि वो 1 बाय 1 करके चल रहा है, ठीक है. आगे ये फॉर्मूलाज हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसकी इतनी जरूरत है. इज इट क्लियर? ये यस बेसिकली मैम, वैसे है, जब हमने अपना हैश टेबल खुद बनाना होता है ना, तो यस, लाइक तब फिर हम ये डिफरेंट फॉर्मूलाज लगा के उसे करते हैं, यूज करते हैं। हाँ जी. तो आई थिंक इसको यहाँ पे ही करते हैं ताकि जो पहले वाले चीजें हैं वो हमारी वो एटलीस्ट क्लियर हो जाए, ठीक है. सलाम तो वालेकुम मैम। मैम ये भी क्लियर करिएगा, जो यहाँ पर लीनियर के अंदर आपने कहा कि जो स्पेस एम्प्टी होगी उसमें जाके ये प्लेस हो जाएगा, अगर ऐसा जी हो कि कोई स्पेस एम्प्टी ना हो तो ये कहाँ पे प्लेस होगा जाके? मैम, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो हम जो हैश टेबल यहाँ फिर अज्यूम कर रहे होते हैं ना, वो हम उसको इनफाइनाइट अज्यूम कर रहे होते हैं। जैसे अब आपने एक लिस्ट बनाई है, स्टार्टिंग में आपने उसकी जो है ना लेंथ वो नहीं डिफाइन की, तो इसका ये मतलब तो नहीं उसकी लेंथ है ही नहीं। अब क्या करेंगे उसमें, अपेंड करते जाएंगे, अपेंड करते जाएंगे। जब वो अपेंड करते जाएंगे वो कहाँ अपेंड होगा, वो लास्ट पे अपेंड होगा। जब पूरा हैश टेबल हमारा फुल होगा तो जो उसे स्पेस कहीं भी नहीं मिलेगी, वो उसके एंड पे जो है ना इंसर्ट हो जाएगा। बिकॉज हम अपनी जो वैल्यू होती है ना, अगर हमने अरे की भी लेंथ देनी होती है या किसी भी चीज की लेंथ देनी होती है, तो वो हम उसको हार्ड कोड तो नहीं ना दे रहे होते.
मतलब फॉर एग्जाम्पल इसकी जो अरे है उसकी लेंथ 3 ही होनी चाहिए। हमने अगर फॉर एग्जाम्पल पीछे कुछ क्वेश्चन है हमने सॉल्व किए हैं, हमने उनको जो उसकी लेंथ थी वो हार्ड कोड नहीं दी, ठीक है कि मतलब इसकी जो है लेंथ वो 3 ही हो, वो लेंथ जो थी वो कुछ भी हो सकती है। और मोस्टली इस तरह के सिनेरियो में जिसमें हमारे पास डाटा बहुत सारा हो जिसको हमने अपने हैश टेबल में डालना हो ना, तो वो फिर इनफाइनाइट ही होता है हमारे पास हैश टेबल। अभी मैं आपको ना एक बताती हूँ कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे डिक्शनरी वालेकुम जो है वो यूज हुई हुई है, मैम, ये बट वालेकुम सलाम मैम, क्वेश्चन ले लें, टाइम मैम एंड हो। जी सर, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें, टाइम एंड सर हो। सर मेरा क्वेश्चन ये कि मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करूँ, फर्स्ट आज मेरा हाँ जी सर, आवाज नहीं आ रही आप, तो आपका फर्स्ट डे है। आई थिंक उनका तरफ से कुछ नेट का प्रॉब्लम हाँ हो नहीं, गया नेट का और हमारा प्रॉब्लम है। टाइम भी खत्म हो गया, तो वी शुड वाइंड अप। और किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझे ना पूछ सकता है स्लैक में मैसेज करके, और कल हम यहाँ पे डिक्शनरी की कोई देख लेंगे इसकी एग्जाम्पल भी प्रॉब्लम भी। मैम ये वाला क्वेश्चन मैं प्रेजेंट करवा सकती हूँ? ठीक हाँ जी आप करवा दें, गुड है, है, मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगी। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।